अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब यकीनन खैर खैरियत से होंगे। आज मैं क्लासिक चैनल की जानिब से आप लोग की खिदमत में हुई हूँ आप लोग का पसंदीदा सिलसिलावार नावल अपना बना ले की एपिसोड के साथ, जिसका आप लोग को यकीनन शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो आप लोग का इंतज़ार मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और एपिसोड को शुरू करती हूँ। मगर उससे पहले जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ वो फिर से कहूँगी कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तब तक मैं एपिसोड को स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ये सारे काम करने के साथ साथ आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस पर कॉमेंट भी करना है और इसको शेयर भी करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कि जो भी नावल में इंटरेस्ट रखते हों, इस नावल को पढ़ रहे हों, वो इस नावल की किसी भी एपिसोड को मिस ना करें। तो चलें अब मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग का नावल अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 32। बड़े ही अच्छे माहौल में उन सब ने खाना खाया था। जैदी साहब और बासमा खाने के दौरान हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। इन दोनों में से किसी ने भी अनाव्या से कोई ज़ाती सवाल नहीं किया था, जिस पर वो दिल ही दिल में इन दोनों की मशकूर थी। बेगम कहवे के साथ अनाव्या बेटी के लिए बकलावा अरबी मिठाई ज़रूर लाइएगा, जैदी साहब ने उन्हें हिदायत दी तो वो मुस्कुराती हुई उठ गईं। उन्हें याद था कि अनाव्या बचपन से ही बकलावे की शौकीन थी और ये बात वो जैदी साहब को भी बता चुकी थी। इसलिए वो ऑफिस से वापसी पर अनाव्या की आमद की इत्तला सुनकर उसके लिए शहर की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान से स्पेशल बकलावा पैक करवा के लाए थे। उन तीनों ने एक साथ बैठकर कहवा पिया, फिर जैदी साहब खड़े हो गए। आप दोनों माँ बेटी आराम से बातें करें, मैं अब आराम करूँगा। जैदी साहब उन दोनों माँ बेटी को बातें करने का मौका देने के लिए जल्दी ही सोने चले गए। जैदी साहब के जाने के बाद बासमा खड़ी हुई। एनी तुम बैठो, मैं ज़रा किचन समेट कर आती हूँ। उनकी बात सुनकर अनाव्या भी खड़ी हो गई और उसने मेज़ पर रखे बर्तन उठाए। चले मम्मी, मिलकर समेटते हैं, वो खुशदिली से बोली। अनाव्या किचन से समेटवाने में बासमा की मदद करवा रही थी। किचन समेट कर बासमा उसे साथ लिए कमरे में आ गई। कई माह से तुम्हारी गुमशुदगी की खबरें सुन सुनकर मैं तो बहुत डर गई थी, उन्होंने बात शुरू की। एनी तुम यूँ बिना बताए किधर चली गई थी, बासमा ने नरमी से सवाल किया। मम्मी वो, अनाव्या उन्हें अपनी कहानी सुना रही थी कि किस तरह उसने हाशिम और जावियार की अचानक से बातें सुन ली थी और हकीकत जानकर वो कैसे घर छोड़कर भाग गई थी, और मुख्तसरन उनको यूसुफ़ और अपने बारे में भी बता दिया। मम्मी क्या आप मुझे कभी भी दिल से माफ़ कर सकेंगी कि मैंने आप पे कभी यकीन नहीं किया, आपकी बात पे एतबार नहीं किया, आपको झूठा समझा, आपका दिल दुखाती रही, इतना सब हो जाने के बाद भी क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? वो उनका हाथ थामे आंखों में नमी लिए बासमा को देख रही थी। उसकी बात सुनकर पास बैठी बासमा प्यार से उसे देखने लगी। बेटियां माफ़ी नहीं मांगा करती, और माँ तो मर भी जाए फिर भी अपने बच्चों से खफा नहीं हो सकती, वो नरमी से बोली। मगर मम्मी मैंने तो डैडी की बातों में आकर आपका बहुत दिल दुखाया है, आपके वजूद तक की नफ़ी की है, बस आप दिल से मुझे माफ़ कर दें, वो भर्राए हुए लहजे में बोली। एक दिन जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे ना मेरी जान, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि औलाद को माफ़ करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। औलाद की बड़ी से बड़ी खता भी माँ मिनटों में माफ़ कर देती है, लेकिन ये बात तुम्हें खुद माँ बनने के बाद पता चलेगी, और तुम्हारे बाप को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात का इल्ज़ाम नहीं दूंगी, बासमा ने नरमी से कहा। मम्मी अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकती हूँ, अनाव्या ने झिझकते हुए सवाल किया। दैदी के बारे में पूछना चाहती हो, बासमा ने मुस्कुरा के उसे देखा। वो मैं यूँ अचानक से बिना बताए आ गई तो अंकल डिस्टर्ब तो नहीं हुए, वह हिचकिचाते हुए बोली। जैदी की कोई औलाद नहीं है, और जिस दिन से मैं उनकी ज़िंदगी में आई हूँ उसी दिन से वो तुम्हें भी अपनी औलाद ही मानती हैं, बासमा ने शफकत से उसे देखा, जिसे आज बरसों बाद अपने पास देखकर उनकी आंखें सैर ही नहीं हो रही थीं। जानती हो मैं और जैदी कैसे मिले, उनके सवाल पर नाविया ने नफ़ी में सर हिलाया। हाशिम और मैं जैदी और उनकी पहली बीवी को बहुत अरसे से जानते थे। नासरा को अचानक से कैंसर तशखीस हुआ था, वो भी आखिरी स्टेज पर, और एक माह के अंदर अंदर नासरा का कैंसर से इंतकाल हो गया था। जानती हो जैदी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे और आज भी करते हैं, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। और दूसरी तरफ हाशिम दूसरी औरतों के साथ ज़्यादा खुश रहने लगे थे,
उनके कई अफेयर्स चल रहे थे, उन्हें अपनी रंगीनियाँ पसंद थीं और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये सब देखते हुए तुम्हारे दादा ने आधे से ज़्यादा शेयर्स तुम्हारे नाम और कुछ मेरे नाम कर दिए ताकि हाशिम मुझे और तुम्हें आसानी से ना छोड़ सकें, मगर वो तो बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और अल्लाह ने उन्हें वो मौका दे दिया। उनकी कोशिश थी कि मैं खुद उनसे अलहदगी इख्तियार कर लूँ ताकि हक महर और किसी किस्म का प्रॉपर्टी का क्लेम ना कर सकूँ। बासमा माजी में खो गई। जैदी की पहली बीवी नासरा की तदफीन थी। मैं और तुम्हारे डैडी दोनों शरीक हुए थे। जैदी बहुत उदास थे, मैं डिप्रेस थी, रो रहे थे। मैं इनके पास खड़ी ताज़ियत कर रही थी जब हाशिम को वो मौका मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। वो ज़ख्मी अंदाज में हंस पड़ी। उन्होंने मुझे जैदी के पास खड़ा देखकर मुझ पर झूठे और गंदे इल्ज़ाम भरी महफिल में लगाना शुरू कर दिए और फिर वहीं मुझे सबके सामने खड़े खड़े तलाक दे दी। बासमा की बात सुनकर अनाविया का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बाप इतना बेरहम भी हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझसे मेरी इकलौती बेटी को छीन लिया गया। उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही थी। जब जैदी आगे बढ़े, मैं उनके नाम से बदनाम हो रही थी। सब ने मुझे छोड़ दिया था जबकि उन्होंने मुझे सहारा दिया, सारे झूठे इल्ज़ाम बर्दाश्त किए। वो जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए उन्होंने कोर्ट में तुम्हारी कस्टडी के लिए भी केस किया, जिसके नतीजे में उन्हें तुम्हारे बाप के असर रसूख की वजह से जेल भी हो गई थी। बासमान अपनी आप बीती सुना रही थी। आपको जैदी अंकल को डैडी ब्लैकमेल करते रहे और मैं अनजान रही, मुझे क्यों कभी पता ना चला? आपने भी कोई जिक्र नहीं किया, या काश आप मुझे कुछ बता देती तो शायद आज ये हालात ना होते। मगर आपका भी कोई कसूर नहीं है, मैं तो आपसे मिलती ही नहीं थी, आप बताती भी तो कैसे बताती? वो अफसरदा हुई। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है यानी, खुद को दोष मत दो, वो नरमी से बोली। मम्मी, बासमा की चुप होते ही अनाविया उनके सीने से लग गई। उसे आज अपनी माँ का दुख महसूस हो रहा था। मेरी तो सारी कहानी तुमने सुन ली, अब अपनी बताओ। बासमा ने नरमी से उसे अपने सीने से लगाया। अनाविया के सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया, क्या बताऊँ? वो सूं सूं करती पीछे हटी। यही कि मेरा दामाद कैसा है और तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? बासमा के सवाल पर वो एक लम्हे को चुप सी हो गई। उसकी निगाहों में यूसुफ का अक्स उतर आया था। दराज कद, वजी पर्सनालिटी का हामिल, डैशिंग मर्द जिसकी बोलती हुई हैज़ल ब्राउन शार्प आँखें और उन पर घनी परखें, सफ़ेद रंगत और किताबी चेहरे पर घना शिव यूसुफ। अनाविया का दिल इसे याद करके ज़ोर से धड़का। मम्मी, आपके दामाद का नाम यूसुफ सफ़ीर है, वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, मगर बहुत खड़ूस आदमी है। अनाविया ने आखिर में नाक चढ़ाई तो बासमा हंस पड़ी। क्या करता है? बासमा ने सवाल किया तो अनाविया ने धीरे धीरे उन्हें अलिफ से ये तक सब कुछ बता दिया कि कैसे वो घर छोड़ के भाग गई थी, फिर एयरपोर्ट पर वो किसी तरह यूसुफ की दादी की गाड़ी में छुपी, और फिर यूसुफ से मुलाकात और अलास्का का ट्रिप, कैसे दोनों की शादी हुई, फिर नेहर का इनके बीच आना, और अब इसका यूसुफ को छोड़कर इधर दुबई चले आना। उसने कुछ भी नहीं छुपाया, एक एक बात बता दी थी। शेख हाशिम सुल्तान एक इंतहाई बेरहम आदमी है और तुम उसके फैसले के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। और यूसुफ यकीनन खुशकिस्मत इंसान है जिससे मेरी बेटी मोहब्बत करती है, वो ममता भरे लहजे में गोया हुई। मोहब्बत नहीं मम्मी, अनाविया ने अपने लब भींचते हुए उन्हें टोका, मैं यूसुफ से इश्क करती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली। अच्छी लड़कियाँ अपने शौहरों से ही इश्क करती हैं। अच्छा, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है कि नहीं। यूसुफ मुझे पसंद करते हैं, शायद चाहते भी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन पसंदीदगी चाहत और मोहब्बत में फ़र्क होता है ना। अनाविया ने सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देखा। क्या तुमने उससे पूछा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है कि नहीं, या बिना पूछे ही शादी कर ली उससे? बासमा ने संजीदगी से सवाल किया। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि अगर उनकी खुशियाँ किसी दूसरी औरत के साथ हैं तो फिर मैं उनकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती, इसीलिए उन्हें फ़ैसले के लिए आज़ाद छोड़कर वापस आ गई। उसकी बात सुनकर बासमा का दिल चाहा अपना सर पीट लें। क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे फ़ैसले का हक देकर वापस जा रही हो? बासमा का सवाल सुनकर अनाविया ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें वापस जाना होगा नाविया, यूसुफ का हक है कि तुम उसे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और तुम उसे फैसले का हक दे रही हो, वो उसे समझा रही थी। जानती हूँ, वो मन मनाई। क्या जानती हो? बासमा ने संजीदगी से उसे देखा।
कि मुझे उसे सब बताकर आना चाहिए था, मगर वो चुप हुई। मगर क्या? बासवा ने नरमी से पूछा। उसे किसी दूसरी औरत के साथ देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं टूटने लगती हूँ। अनाव्या की सुनहरी सुरमई आँखों में यूसुफ और नीहर को एक साथ तसव्वुर करके आंसू उतर आए थे। बासवा ने प्यार से उसकी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया तो वो उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। न जाने कब से उसके अंदर पकता लावा आज माँ की मोहब्बत भरी आगोश पाकर फट पड़ा था। बस मेरी बच्ची बस, बासवा ने प्यार से उसकी कमर सहलाई। तुम अरब के सबसे बारसूख आदमी शेख हाशिम सुल्तान के सामने खड़ी हो सकती हो तो फिर उस आदमी का सामना करने से क्या डरना जिससे तुम मोहब्बत करती हो? बासवा की बात पर अनाव्या ने अपने आंसू साफ किए। आप ठीक कह रही हैं, मुझे वापस जाकर सारे मामले को सुलझा कर आना होगा। मैंने डैड को फेस किया और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। अब मुझे यूसुफ को भी फेस करना होगा, उसकी आज़ादी वापस करनी होगी, उसे बताना होगा कि मैं क्यों उसके सामने से हट रही हूँ, फिर ही शायद मैं एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकूँ। वो नहायत ही मध्यम आवाज़ में बात कर रही थी, जैसे खुद से बातें कर रही हूँ। तुम जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाओ, बल्कि तुम आज ही वापस जाओ और यूसुफ से खुलकर बात करना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। बासवा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। यूसुफ सफ़ीर सोने का चम्मच मुँह में लेकर पैदा होने वाला एक तुर्क ज़्यादा था जो अपने बचपन में ही यतीम हो गया था, जिसे उसकी दादी अज़रा बे ने बड़े प्यार से पाला था। कम उम्र में ही उसने अपने वालिद का ख़ानदानी हीरों की कान का बिजनेस संभाल लिया था। वो जवान था, बला का हैंडसम और डैशिंग था और अपनी पर्सनालिटी से वाकिफ भी था। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी लाइफ तक कई लड़कियां बस उसकी एक नज़र की मुंतज़िर रहती थीं। उनमें से ही एक नीहर थी जिसे उसकी अच्छी दोस्ती थी। ये सच था कि उसने नीहर से शादी का सोचा था। जबकि अज़रा बे को ट्यूमर तशखीस हुआ तो उनकी बार बार अपने पर पोते पोतियाँ देखने की ख्वाहिश पर वो ना चाहते हुए भी नीहर से शादी का सोच रहा था, पर दिल था कि मानता ही नहीं था। ऐसे ही उलझे दिनों में उसकी किस्मत अनाव्या से टकराई और उस लड़की की सादगी बेसाख्तगी उसे अपना असीर करने लगी थी। उसे अनाव्या के चेहरे पर उसकी अदाओं पर प्यार आने लगा था। उसके अंदर अनाव्या को छूकर महसूस करने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी और जिन्हें चाहा जाए उनसे फौरी रिश्ता बना लेना चाहिए, इसलिए उसने अनाव्या से एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर शादी कर ली थी। और फिर उस नाजुक सी फूलों सी लड़की से वो अपना अज़दवाजी ताल्लुक भी बना चुका था। अनाव्या हाशिम सुल्तान यूसुफ सफ़ीर का नशा बन चुकी थी। उसकी कुर्बत उसे सुकून बख्शती थी। वो उसे ढेर सारा प्यार करना चाहता था, उसकी नस नस में तो उतर चुका था, अब रूह में भी बस जाना चाहता था। इसीलिए इन दिनों में वो जल्दी जल्दी सारे बिजनेस के काम निपटाकर अपनी महबूब बीवी के साथ लंबे हनीमून पर निकलने का प्रोग्राम बना रहा था कि नीहर उनके बीच चली आई। और आज जब वो अपने ऑफिस ट्रिप से घर लौटा तो अनाव्या कहीं नहीं थी। पिछले दो दिन से वो उसे फ़ोन कर रहा था पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसे लगा कि वो उसकी मसरूफियात की वजह से नाराज़ है। इसीलिए आज ट्रिप से वापसी पर वो कैंडल लाइट डिनर फिर एक रोमांटिक सी लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बनाकर लौटा था, पर वो कहीं नहीं थी। घर में किसी को कुछ नहीं पता था कि वो किधर गई है। वो दीवानों की तरह उसे ढूंढ रहा था जब एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से पता चला कि वो तो उसी रोज़ दुबई चली गई थी जिस दिन वो ट्रिप पर गया था। वो लब भींचता हुआ एयरपोर्ट से निकला कि उसका सेल फ़ोन बजना शुरू हुआ। अनजान गैर मुल्की नंबर था। उसने फ़ोन उठाया और फिर जो बात उसने सुनकर वो शदीद तैश में आ गया था। जारी है जी। तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार देना मत भूलिएगा। हम इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए।